जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जाने माने अनुवादक कवि अनिल जैन विजय जी के साथ, जो फिलहाल मॉस्को विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हैं। अब हम लोग आते हैं रूसी से हिंदी में जो अनुवाद शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, रूसी से हिंदी में अनुवाद से पहले मैं जी एक पहले आपको बता दूं कि रूसी में कब अनुवाद शुरू हुआ। रूसी में जो पहला अनुवाद मिलता है किसी भाषा की, तो वसीली जुकोवस्की ने, वो भी कवि थे, वो भी अनुवाद करते थे, उन्होंने बहुत फारसी कविताओं का अनुवाद किया, यूरोप के तमाम कवियों का उन्होंने अनुवाद किया। उन्होंने ही सबसे पहले नल और दमयंती का फ्रांसीसी भाषा से रूसी में अनुवाद किया था 1823 में। उसके बाद लोगों की भारतीय साहित्य में, भारत में रुचि बढ़नी शुरू हुई। बाद का एक लंबा पीरियड ऐसा रहा जब भारतीय रचनाओं का अनुवाद नहीं हुआ, लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरू में, 20वीं शताब्दी के शुरू में, 19वीं शताब्दी के अंत में फिर से भारतीय रचनाओं का, भारतीय कविताओं का, भारतीय भारतीय इसलिए कह रहा हूं, हिंदी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन रूसियों के लिए सिर्फ हिंदी का कोई महत्व नहीं, जी भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, उनके लिए भारतीय साहित्य का महत्व। वो किसी भी भाषा की रचना को, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर रूस में खूब जाने माने जाते हैं, तो प्रेमचंद खूब जाने माने जाते हैं, तो रूस में रविंद्रनाथ टैगोर के 10 खंडों का अनुवाद हुआ है, 10 खंडों में रचनाएं छपी। प्रेमचंद का ऐसे कोई रचनावली तो नहीं छपी, लेकिन प्रेमचंद की लगभग सभी रचनाओं का अनुवाद रूसी में हुआ है। कहानियों का सबका नहीं हुआ, लेकिन उपन्यास, सभी उपन्यासों का अनुवाद रूसी में हुआ है, मेरे पास है। तो रूसी लोग भी हिंदी में, हिंदी का भारतीय साहित्य में रुचि रखते, लेकिन हम हिंदी वाले, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी रुचि हिंदी साहित्य, रूसी साहित्य में नहीं है। लेकिन क्रांति होने के बाद रूसी साहित्य का अनुवाद शुरू। प्रेमचंद ने तलस्तोय की 10, 15 या 20 बच्चों की कहानियों का अनुवाद किया। उसी दौर में उर्दू में तमाम रूसी रचनाओं का अनुवाद हुआ, लेकिन हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ। हिंदी में ये काम शुरू किया शिवदान सिंह चौहान, चंद्र भाल जौहरी ने 1933 में हंस में कुपरीन की, जो गाड़ी वालों का कटरा है, बहुत मशहूर उपन्यास है, तो बहुत मशहूर। वो उपन्यास 1933 में उन्होंने अनुवाद किया, चंद्र भाल जौहरी ने। उसके बाद शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी में, समझिए, कारावास, दस्तोवस्की की रचनाओं का, तुर्गेनेव की रचनाओं का, और मेरे ख्याल से इन दो की रचनाओं का ही ज्यादा अनुवाद किया। दस्तोवस्की की रचनाओं का तो कई सारे उपन्यासों का उन्होंने अनुवाद किया शिवदान सिंह चौहान ने। उसके बाद अनुवाद, अगर मतलब अनुवाद के हिसाब से देखा जाए, तो तब तक रूसियों ने या सोवियत सत्ता ने अपना एक प्रकाशन गृह शुरू कर दिया था, विदेशी भाषा प्रकाशन गृह।
उन्होंने क्या किया कि भारत में भारतीय लेखकों से रूसी लेखकों की रचनाओं का अनुवाद करवाना शुरू और उस अनुवाद को रूस में प्रकाशित करना शुरू किया। इसके अलावा कुछ रचनाओं को जो रूस में नहीं छपी उनके लिए उन्होंने वहां पैसा दिया, जैसे राजकमल को पैसा दिया, तो धीरे बहुत दोन रे, धीरे बहे दोन रे, चोलोखफ का उपन्यास चार खंडों में भारी उपन्यास, वो राजकमल से छपा था। फिर रूसी कवि लेरमंतव, मिखाइल लेरमंतव का एक उपन्यास है, उपन्यास है, चलिए मैं अभी नाम भूल रहा हूं, तो वो उपन्यास भारत में छपा, राजेंद्र यादव ने उसका अनुवाद। ऐसे ही मुनीश नारायण सक्सेना जो उस समय युवा कम्युनिस्ट थे, उन्होंने मक्सिम गोर्की की कहानियों का, कविताओं का, कहानियों का नहीं सॉरी उपन्यासों का अनुवाद किया। माँ उपन्यास का अनुवाद उन्होंने किया, वे तीन नामक एक उपन्यास है उसका अनुवाद उन्होंने किया। फिर रूसी इतिहास की कहानियां, सोवियत इतिहास की कहानियां जैसी किताबों का अनुवाद उन्होंने किया, लेकिन वो सभी अनुवाद रूस में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह से छपे थे और उन अनुवादों में अनुवादक का नाम नहीं जाता था। अनुवादक का नाम रूसी किताबों में जाना शुरू हुआ 1957 से। 1955 में ख्रुश्चोव, जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे या जिन्हें हम भारत में रूसी राष्ट्रपति कहते हैं, तो उन्होंने भारत की यात्रा की और भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारतीय अनुवादक रूस आने शुरू हुए, रूस पहुंचने शुरू हुए। उन अनुवादकों ने रूस आने के बाद रूस ने उन्हें मकान दिया रहने के लिए, अच्छा खुला मकान, वो परिवार के हिसाब से होता था, अगर मियां बीवी हैं तो एक कमरे का मकान देते थे, मियां बीवी एक बच्चा है तो दो कमरों का देते थे, दो बच्चे हैं तो तीन कमरों का, मतलब ज्यादा बच्चे हैं तो और ज्यादा बड़ा मकान देते थे। तो परिवार के साथ अनुवादकों को यहां बुलाया और उन्हें अच्छी तनख्वाह, बड़ी मोटी तनख्वाह जिसको कहते हैं 360 रूबल महीना उनका नियुक्त कर दिया, जिसमें से 100 रूबल उन्हें रुपए में दिए जाते थे। 100 रूबल का मतलब तब था $140, मतलब $140 की रकम उन्हें रुपए में दी जाती थी, तब रुपए की कीमत 5 रुपए के करीब थी, तो 5 रुपए के हिसाब से उनको 600 रुपए के करीब, 140 चार पंजे 20 700 रुपए के करीब उन्हें हर महीने भारत में मिलता था। 700 रुपए भारत में तब बड़ी तनख्वाह होती, और उसके अलावा 260 रूबल यहाँ मास्को में मिलता था, जो रूसियों के हिसाब से बड़ी तनख्वाह थी। रूस में तब इंजीनियर 130 रूबल पाता था, आम तौर पर आम तनख्वाहें रूस में जो थी वो 70-75 रूबल के आसपास थी, डॉक्टर की तनख्वाह 90 रूबल हुआ करती थी, तो उस हिसाब से 260 रूबल बड़ी तनख्वाह। और मतलब बड़ी तनख्वाह आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि तब ट्राम और मेट्रो का किराया जो था, ट्राम का किराया 3 कुपेक था, मेट्रो का 5 कुपे, 5 पैसे समझिए, 3 पैसे, डबल रोटी ब्रेड
या जिसको रोटी कहिए आप, वो रोटी जो है 8 कोपेक की आती थी, 400 ग्राम की रोटी 8 कोपेक की। तो आप उस हिसाब से भी लगा, मतलब मैं 1982 में यहाँ आया था और मैं जो हूँ 20 रूबल में अपना खाना पीना और अन्य खर्चे पूरे कर रहा था अकेला आदमी। तो अगर परिवार के साथ है 40-50 रूबल लगा, 60 लगा लीजिए, तो भी 200 रूबल उसका यहाँ बचता है। अगर वो तो मतलब बड़ी शान से रह सकता था 260 रूबल। तो ये तनख्वाह 1957 में नियुक्त कर, उस समय आने वाले जो ट्रांसलेटर्स थे उनमें भीष्म साहनी, ओम ओंकार नाथ पंचालर, फिर नरोत्तम नागर, फिर भीष्म मदन लाल मधु। मैं हिंदी के अनुवादकों का नाम ले रहा हूँ, आए तो सब भाषाओं के अनुवादक थे। फिर गोपी कृष्ण गोपेश, नरेश वेदी जैसे अनुवादक उस समय यहाँ आए थे। इन लोगों ने अंग्रेजी से रूसी साहित्य का अनुवाद करना शुरू, और आप इन लोगों को पहला अनुवादक कह सकते हैं। हालांकि मैं तो अभी भी प्रेमचंद को और चंद्रभाल चौरी को पहला अनुवादक मानता हूं। हालांकि उन्होंने बाद में किया, ये हमारा फिर नाम भूल गया, हमारे यात्री हैं बहुत, यात्री जो आए थे रूस पीटर्सबर्ग में, आपको याद हो शायद, स्टालिन, देवेंद्र सत्यार्थी। नहीं, देवेंद्र सत्यार्थी तो कभी नहीं आए, प्रोफेसर बनकर आए थे, बौद्धिस्ट, सेरा यात्री। अच्छा बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट नाम नहीं है, अच्छा अच्छा यात्री नाम नहीं है, 1 मिनट, रा से नाम है। अरे बहुत बड़े लेखक हैं हमारे, मैं राहुल सांकृतायन। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन 1936 से 1938 के बीच में पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में बौद्धिस्ट स्टडी के प्रोफेसर बनकर आए। उस दौरान उन्होंने यहाँ शादी की, उनके एक बेटा पैदा हुआ, और उसी दौरान उन्होंने करीब 20-25 किताबों का अनुवाद भी किया। ये जरूर है कि वो अनुवाद अनुवाद जैसा नहीं है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। राहुल जी तो अनुवादक नहीं थे ना, लेकिन उन्होंने वो भूमिका निभाई। वो बहुत टूटे फूटे अनुवाद है। राहुल जी ने जैसा वाक्य रूसी में था वैसा ही हिंदी में लिख दिया, तो अनुवाद बहुत खराब है, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुवाद किया, ये अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। उन्होंने यहाँ रहकर कुछ किताबें भी लिखी, उनकी भाषा अच्छी है, उतनी चलताऊ भाषा अभी नहीं है, उतनी सरल और तरल भाषा भी नहीं है, लेकिन वो भाषा तब जो भाषा उनकी रही, जैसी रही वैसी भाषा में उन्होंने किताबें, जो बहुत मुश्किल भाषा कह सकते हैं हम हिंदी के हिसाब से, जिनके वाक्य जो हैं बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। तो राहुल जी ने, राहुल जी को हम दूसरा या तीसरा अनुवादक कह सकते। राहुल जी के बाद शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान के अनुवाद बेहतरीन है, भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन शिवदान सिंह चौहान अनुवाद करते हुए बीच बीच में कुछ वाक्य खा जाते हैं, कुछ चीजें उड़ा देते हैं, कुछ रचनाओं ऐसा को क्यों, ऐसा संक्षिप्त, क्यों?
ऐसा है कि अनुवादक जब शुरू में अनुवाद करना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि इसकी क्या जरूरत है हमारे पाठकों के लिए। ये चीज तो रूसी लोगों के लिए लिखी गई है, इसका हमारे पाठकों से क्या रिश्ता। तो कुछ चीजें अनुवादक जब शुरू में अनुवाद करना शुरू करता है तो वो हमेशा ऐसा करता कि जो चीज उसकी समझ में नहीं आती वो भी वो उड़ा देता है, उसको अपने ढंग से बदल देता है। लेकिन जो अच्छे अनुवादक होते हैं वो ऐसा नहीं करते। शिवदान सिंह चौहान के साथ मैं पहला बेहद अच्छा अनुवादक मानता हूं, मुनीश नारायण सक्सेना और नरोत्तम नागर। मुनीश नारायण सक्सेना और नरोत्तम नागर दोनों 1948, 49, 50 से ही जो रूसियों ने प्रकाशन स्थापित किया था, विदेशी भाषा प्रकाशन गृह, उसके लिए अनुवाद करते थे। पूरा गोरकी समझ लीजिए, गोरकी की कहानियां नरोत्तम नागर ने अनुवाद की है और गोरकी के उपन्यास अनुवाद किए हैं मुनीश नारायण सक्सेना। मुनीश नारायण सक्सेना ने और किताबें भी अनुवाद की है, लेकिन गोरकी जो है वो आज तक वैसा का वैसा चला आ रहा है। उसमें एक शब्द बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनकी कहानियों के अनुवाद इतने अद्भुत हैं, उनके उपन्यासों के अनुवाद इतने अद्भुत हैं गोरकी के कि दंग रह जाते हैं। 1957 में मधु जी ने अनुवाद करना शुरू किया। उनकी शुरू के अनुवाद जो है उनकी भाषा बड़ी अनगढ़ भाषा है, बड़ी खराब भाषा है। उसका कारण यह है कि तब एक तो मधु जी 27-28 साल के थे, दूसरी बात उससे पहले उन्होंने कभी अनुवाद नहीं किया। उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया और जब अनुवादक काम करना शुरू करता है तो 2-3 साल में उसको अनुभव हो जाता है और वो ढंग से अनुवाद करने लगता है। तो वही मधु जी के भी साथ हुआ, उन्होंने अंग्रेजी से अनुवाद। सबसे पहले तो यहाँ ये बात है कि मधु जी जब आए तो बाकी लोग तो अनुवादक थे और मधु जी संपादक बन गए, बाकी अच्छा लोग अनुवादक करने लगे, मधु जी संपादन करने। लेकिन 1959-60 में उनको लगा 2 साल बाद कि मुझे भी अनुवाद करना चाहिए और उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया। कौन रचना थी वो? मुझे रचना ठीक ठीक मालूम नहीं है कौन सी थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो रचना थी जमीला नाम की। जमीला। जमीला जो है वो रूसी लेखक है एक, का नाम भी अभी फिर भूल गया। तो रूसी लेखक हैं, बड़े मशहूर रूसी लेखक हैं, उनकी रचनाएं जमीला, पहला अध्यापक, चंगीज आइतमतब, चंगीज आइतमतब, गुलसार, सुनो गुलसारी, रुको गुलसारी, और बहुत सारी रचनाएं उनकी भारत में मशहूर हैं, वो मिलती नहीं है। अभी हमारे भारतीय प्रकाशकों ने उनको दोबारा छापना शुरू कर दिया है। तो जमीला नाम की रचना मधु जी ने अनुवाद की थी, वो भी बार बार छपती है, हालांकि पहली किताब है मधु जी की। मैंने ये भी कहा वो अनगढ़ भाषा में है, लेकिन बाद में मधु जी ने उसको खुद अनुवाद किया वो, क्योंकि बार बार यही छपी रूस में पहले कई बार। तो वो जो है वो किताब उनकी बार बार छपती है। उसके बाद मधु जी ने अंग्रेजी से अन्य रचनाओं के अनुवाद किए। इंसान का नसीबा, शोलोखव की एक रचना है, एक बच्चे के बारे में एक कहानी है जिसका अनुवाद उन्होंने किया। ठीक है, फिर अगली बातचीत हम लोग दूसरे भाग में करेंगे। ठीक, जी ठीक है, ठीक है, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।